हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है कि यदि हम इसका सोल्व करने का तरीका नहीं जानते हैं और हमने इस पर प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जामिनेशंस में ये हमारे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जब भी हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से सामना हो तो हमको सबसे पहले इसमें क्या देखना चाहिए और क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे कि हमारा विद इन ए फ्यू सेकेंड्स बड़े आसानी से आंसर आ जाए। एंड बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका जीके, मैथ एंड रीजनिंग वाला पोर्शन स्ट्रांग रहे जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर कोड वर्ड में यदि टॉप को ये लिखा जाता है और पोर्ट को ये लिखा जाता है और आर्ट को ये लिखा जाता है तो रेड को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या होता है कि ये इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं इन पर एक ऑपरेशन लगा के इनको कोड वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। ऑलराइट, और वो ऑपरेशन क्या होता है, कोड वर्ड क्या है, उनके ये आपको तीन एग्जाम्पल देता है। ओके, और आपको इनको अच्छे से स्टडी करके वो रिलेशन फाइंड आउट करना होता है और उस रिलेशन को आपको इस वर्ड पर अप्लाई करके इसका कोड वर्ड फाइंड आउट करना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन जो हमको दी गई है इसको हम किस तरीके से स्टडी करें और किस तरीके से हमको ये कोड वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं वो हम देखेंगे। ओके, ध्यान से टॉपिक को समझिए, सभी क्वेश्चंस को, एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत होती है ये इंग्लिश के अल्फाबेट और इनकी जो पोजीशन है। ओके, जैसे कि 1 2 3, ए पहली पोजीशन पर आ रहा है अल्फाबेट में, एच 8 पोजीशन पर आ रहा है, जेड 26 पोजीशन पर आ रहा है, तो हमको सबसे पहले ये राइट डाउन कर लेनी चाहिए। ओके, या ये हमारे माइंड में होना चाहिए। ऑलराइट, सारा गेम इसी का है, बिना इसके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट हैं इनकी हमको अल्फाबेट्स में पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है और पोजीशन फाइंड आउट करने के बाद में जो नंबर्स आते हैं उन पर कोई ऑपरेशन लगा के तब ये एक कोड वर्ड फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए टी की पोजीशन क्या है, 20, ये रहा यहाँ पे। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे। उसके बाद है ओ, ओ की पोजीशन क्या है, 15, तो हम यहाँ पर 15 लिख लेंगे। उसके बाद है पी, पी की पोजीशन क्या है, 16, तो हम यहाँ पर 16 लिख लेंगे। ऑलराइट, सबसे पहला काम हमको ये करना है, दिस इज आर फर्स्ट स्टेप। ओके, इसके बाद में हमारे पास में ये नंबर्स आ जाएंगे और अब हमको इन नंबर्स को इन नंबर से इस कोड वर्ड से अच्छे से कंपेयर करना है। ओके, किस तरीके से ये कोड वर्ड बनाया जा रहा है, किस तरीके से इन नंबर्स में चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे कि कोड वर्ड आ जाए। ऑलराइट, वो हमको स्टडी करना होता है और उसको देखने का तरीका होता है कि हमको किस तरीके से देखना चाहिए। ओके, वही सब हम आज डिस्कस करेंगे कि हमको किस तरीके से इन नंबर से इन नंबर्स को लाना होता है, हमको किस तरीके से चेक करना होता है। ओके, अब देखिए इन नंबर्स के बीच में या तो ये ऐड हो सकते हैं या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऑलराइट, या इनका सब्सट्रैक्शन हो सकता है या इनमें किसी नंबर का डिवाइड हो सकता है तीनों में। ओके, और डिवाइड होने के बाद में फिर ये जुड़ रहे हों, घट रहे हों या गुणा हो रहे हों, या इन नंबर्स का स्क्वायर हो रहा हो या अंडर रूट हो रहा हो। ऑलराइट, इस तरीके से ऑपरेशंस लगेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको इन नंबर्स को इन नंबर्स से कंपेयर करना है। ओके, और यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि ये शुरू के दो नंबर्स हैं 2020, यानी कि ये हमारा 20 बन रहा है। बाद के तीसरे चौथे जो नंबर हैं, जो डिजिट्स हैं, वो हैं 15, यानी कि 15, तो ये वाला हमारा 15 बन रहा है। और उसके आगे के जो पांचवें छठे नंबर्स हैं वो हैं 16, यानी कि 16, तो हमारा ये 16 यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी कि सिंपली ऑपरेशन क्या है कि इन तीनों नंबर्स को ऐसे ही मिला दिया गया है। ऑलराइट, ऐसे ही प्लेस कर दिया गया है, इन पर कोई जोड़ घटाना भाग गुणा ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, ये सिंपली यहाँ पर ऐसे ही प्लेस कर दिए गए हैं। ऑलराइट, तो ये कोड वर्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहली वाली कंडीशन पे अप्लाई हो रहा है तो ये सभी पे अप्लाई हो रहा होगा। ओके, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमको इन बाकी की दो कंडीशंस को भी चेक करना होगा कि ये ऑपरेशन इस पर लागू हो रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पी की पोजीशन देखते हैं, पी की पोजीशन क्या है, 16, शुरू के दो नंबर्स क्या है, 16, ओ की पोजीशन क्या है, 15, तो तीसरे और चौथे नंबर क्या है, 15।
ओके, टी की पोजीशन क्या है 20, तो पांचवें और छठे नंबर्स क्या है 20 यानी कि 20। तो यानी कि ये वाला ऑपरेशन इन दोनों पर एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन हमको इस पर भी चेक करना होगा। कई बार क्या होता है, शुरू के दो पर एप्लीकेबल हो जाता है लेकिन तीसरे पर नहीं होता है। ओके, सो दैट मीन्स ये वाला ऑपरेशन क्वेश्चन पर एप्लीकेबल नहीं है। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए ए की पोजीशन क्या है 1, तो देखिए यहाँ पर शुरू में 1 दिया हुआ है। उसके बाद है आर, आर की पोजीशन क्या है 18, तो नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर्स क्या है 1, 8, 18। ऑलराइट, टी की पोजीशन क्या है 20, तो लास्ट के चौथे और पांचवे नंबर्स क्या है 20 यानी कि 20। सो दैट मींस क्वेश्चन पर जो ऑपरेशन एप्लीकेबल है, कोड वर्ड में बदलने के लिए जो ऑपरेशन लगाया हुआ है, वो ऑपरेशन क्या है कि ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, इनकी अल्फाबेट में जो पोजीशन है, उन पोजीशंस को ही यहाँ पर प्लेस किया गया है, यही हमारा कोड वर्ड है। ऑलराइट, तो अब हम रेड का कोड वर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमको क्या करना है, इन तीनों अल्फाबेट्स की अल्फाबेट में पोजीशन जो होगी, उनके हमको नंबर्स यानी कि पोजीशन के नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो आर की पोजीशन क्या है 18, तो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर 18। ए की पोजीशन क्या है 1, तो 18 के बाद क्या होना चाहिए 1। टी की पोजीशन क्या है 20, तो 1 के बाद क्या होना चाहिए 20। तो यानी कि इस कोड वर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से रेड का कोड वर्ड ये होना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। सो दिस वुड बी आर आंसर। ऑलराइट, सेकंड ऑप्शन विल बी आर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे और क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी कोड वर्ड में एरिया को 25 लिखा जाए, डियर को 28 लिखा जाए, रोड को 38 लिखा जाए, तो टीयर को क्या लिखा जाएगा। ओके, तरीका वही है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन अल्फाबेट्स की इस अल्फाबेट में पोजीशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमको ये काम करना है, और उसके बाद जो हमारे नंबर्स आएंगे, जो इनकी पोजीशंस के जो नंबर्स होंगे, उन पर फिर हमको ऑपरेशन लगाना है, जिससे कि हमारा ये कोड वर्ड आ जाए। देखिए पहले क्वेश्चन में तो सिर्फ ये पोजीशंस ही फाइंड आउट की गई थी, वही कोड वर्ड था, लेकिन उन नंबर्स पर भी कोई ऑपरेशन और लग सकता है, जैसे कि उनको तीनों नंबर्स को ऐड किया जाए, या गुणा किया जाए, या घटाया जाए, या किसी नंबर से भाग किया जाए। तो देखिए ए की अल्फाबेट में कौन सी पोजीशन है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। आर की कौन सी पोजीशन है 18, तो हम यहाँ पर 18 लिख लेंगे। ई की क्या पोजीशन है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। और फिर से ए का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ए की पोजीशन क्या है 1, तो हम यहाँ पर 1 इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास में ये 4 नंबर्स हैं, और इन 4 नंबर्स का इस्तेमाल करके हमको 25 लेकर आना है। देखिए इस बार सिंपली आंसर नहीं आ रहा है, सिंपल कोड वर्ड नहीं है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था। पहले क्वेश्चन में तो इनको बस ऐसे ही रख दिया था, तो वही हमारा कोड वर्ड था यानी कि आंसर था, लेकिन इस क्वेश्चन में इन नंबर्स पर कोई ऑपरेशन हमको लगाना होगा, और उसके बाद हमारा आंसर आएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास में 4 नंबर हैं, 1, 18, 5 और 1। इनका इस्तेमाल करके हम 25 कैसे लेके आ सकते हैं, तो सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमको इन चारों नंबर्स को ऐड करके देखना चाहिए। तो 18 और 1 क्या होगा 19, 19 और 5 क्या होगा 24, 24 और 1 क्या होगा 25, और यहाँ पर क्या नंबर है 25। तो यानी कि यदि हम इन नंबर्स को आपस में जोड़ दें, तो हमारा ये कोड वर्ड आ जाता है, 25 आ जाता है। लेकिन हमको ये पूरे क्वेश्चन पर चेक करना होगा, बाकी की दो कंडीशंस पर भी चेक करना होगा कि ये वाली जो कंडीशन है, ये इस पर एप्लीकेबल है यानी कि यही कोड वर्ड लग रहा है क्वेश्चन पर, या कुछ और लग रहा है। देखिए एक क्वेश्चन पर कई तरीके के कोड वर्ड्स लग सकते हैं। ऑलराइट, आपका ये 25 कई तरीके से आ सकता है, यानी कि एक ही कोड वर्ड से आएगा, कई कोड वर्ड से 25 आ सकता है, और हो सकता है कुछ कोड वर्ड से 25 और 28 आ जाए, लेकिन 38 नहीं आए। ओके, तो हमको वो कोड वर्ड फाइंड आउट करना है, वो रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिससे कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हों। तो चलिए सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं। डी की पोजीशन क्या है 4, ई की क्या है 5, ऑलराइट, ए की क्या है 1, और आर की क्या है 18। ऑलराइट, ये 4 नंबर हैं हमारे पास में, तो चलिए देखते हैं कि ऐड करने से ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है या नहीं। तो 4 और 5 क्या होगा 9, 9 और 1 क्या होगा 10, 10 और 18 क्या होगा 28, और यहाँ पर क्या नंबर है 28। तो यानी कि ये वाली कंडीशन इन दोनों ऑपरेशंस पर फुलफिल हो रही है। अब हम ये तीसरी कंडीशन के लिए ये चेक करके देखेंगे। तो आर की पोजीशन क्या होगी 18, ऑलराइट, ओ की क्या होगी 15, और ए की क्या होगी 1, और डी की क्या होगी 4। तो हमने शुरू की दो कंडीशंस पर क्या ऑपरेशन देखा है कि हम इन नंबर्स को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम ऐड करके देखेंगे। ऑलराइट, तो 18 और 15 क्या होगा 33, 33 प्लस 1 34, 34 प्लस 4
38 और यहाँ पर क्या नंबर है 38। सो दैट मीन्स ये वाला जो ऑपरेशन है ये हमारे इस क्वेश्चन की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दैट मीन्स ये वाला ऑपरेशन इस पूरे क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है। तो अब हम इस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके ये जो हमको वर्ड दिया है इसका हम कोड वर्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ऑलराइट, करना क्या है, इनकी जो इस अल्फाबेट में पोजिशन है उनको फाइंड आउट करके उनको एड करना है, उनका समेशन करना है। ऑलराइट, तो चलिए करते हैं। तो देखिए टी की पोजिशन क्या है 20, ओके, और ई की क्या है 5, और ए की क्या है 1, और आर की क्या है 18। ऑलराइट, तो ऑपरेशन क्या है कि हमको इन नंबर्स को जोड़ना है। तो 20 और 5 क्या होगा 25, 25 और 1 क्या होगा 26, और 26 और 18 क्या होगा 44, 44 किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने में आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को विद इन ए फ्यू सेकंड्स में सोल्व कर देंगे, और क्वेश्चन को देखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि क्या ऑपरेशन लग रहा है।